समाज सेवी हाबिल मुर्मू ने काठीकुंड प्रखंड अंतर्गत बिछिया पहाड़ी के कुलकंड ग्राम का दौरा किया। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में विगत 4 माह पूर्व विद्युत ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसके कारण हम अंधेरे में रहने को विवश है। बताया कि हमें राशन कार्ड से प्रतिमाह मात्र 1 लीटर के राशन तेल मिलता है, वो भी 100 रुपए प्रति लीटर के दर से खरीदना पड़ता है। हमारे गांव में लगा विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने से बच्चों को रात्रि अध्ययन व दैनिक कार्यों में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि कुलकंड ग्राम काठीकुंड प्रखंड मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर सुदूर घने जंगल के तराई में अवस्थित है। ग्रामीण रात्रि समय में अंधेरे में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होकर समाज सेवी हाबिल मुर्मू ने चिंता जताते हुए विद्युत विभाग व जिला प्रशासन से अविलंब कुलकंड ग्राम का जला हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है। अवसर पर कुलकंड ग्राम के जीतन किस्को, रघु किस्को, शिकरिया किस्को, जीवन किस्को, बबलू सोरेन, लुखीराम टुडू, रासमुनी मुर्मू, सुशीला देवी, सपना हेम्ब्रम, अंजलि देवी, बुधराया किस्को, सामाजिक कार्यकर्ता प्रभु मार्शल टुडू, उदय मुर्मू से विद्युत ट्रांसफार्मर को बदली करो। कुलकंड ग्राम का जला हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर को बदली करो। कुलकंड ग्राम का जला हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर को बदली करो। कुलकंड ग्राम का जला हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर को बदली करो। कुलकंड ग्राम का जला हुआ विद्युत ट्रांसफार्मर को बदली करो।